अगर आप लोग इंटरनेट के ऊपर ऐसी चीज़ ढूंढ रहे हो जो कि रिलेटेड है सीएनजी एसयूवी कार्स से रिलेटेड, या फिर आप ऐसी चीज़ ढूंढ रहे हो जहाँ पे आपको मिलेगी इंडिया के अंदर 2024 में ऐसी कौन सी बेस्ट सीएनजी कार्स है जो कि एसयूवीज है और अच्छे खासे मतलब पैकेजेस के साथ में आती है, तो फिर आप सही वीडियो के अंदर आए हो। वीडियो को एंड तक देखते रहना, इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे फर्स्ट स्टार्ट करें तो वो हमारी है XUV300 फेसलिफ्ट के साथ में, सीएनजी के साथ में आने वाली है। मई 2024 के अंदर एक्सपेक्टेड लॉन्च है और ऑलमोस्ट 8 लाख से लेके 12 लाख तक एक्स शोरूम प्राइजिंग जाएगी। XUV300 फेसलिफ्ट आने वाली है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, फेसलिफ्ट के आने के बाद आपको सीएनजी वाला वेरियंट इसका देखने को मिल जाएगा। फेसलिफ्टेड XUV300 के साथ में बहुत सारे फीचर्स आने वाले हैं, बहुत से अच्छे खासे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स भी आने वाले हैं, और कंपटीशन के कंपैरेटिवली भी बात करें तो अच्छे खासे पैकेजेस के साथ में गाड़ी आने वाले हैं। उसके ऊपर हम ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियोस बना चुके हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि ये बेस्ट SUVs के अंदर क्यों होने वाली है। तो महिंद्रा खुद CNG प्रोवाइड करने वाली है XUV300 के साथ में। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अभी तक तो ऐसे ही चल रहा है, जैसे फेसलिफ्ट लॉन्च होगी उसके कुछ टाइम बाद आपको इसका CNG भी देखने को मिल जाएगा। तो अभी आपको जो ये आपने अभी जो लॉन्च डेट देखी उसके जस्ट पहले आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 300 फेसलिफ्ट के मतलब नॉर्मल वाले वेरियंट को फेसलिफ्ट के अवतार के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, वो इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट के अंदर। हालांकि ये 26 जनवरी को लॉन्च होने वाला था, लेकिन इसका लॉन्च डिले हो चुका था उस वक्त, और कुछ रीजंस के चलते डिले हुआ था, जो कि हमने वो वाले वीडियोस के अंदर क्लेरिफाई भी किया है कि नई वाली लॉन्च डेट कौन सी है, वो आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी 300 फेसलिफ्ट को लेके कितने लोग एक्साइटेड है वो आप कमेंट डाउन करके बता सकते हो, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये गाड़ी बहुत से ऐसे पॉइंट्स को लेकर आएगी जो कि अभी तक किसी ने इस सेगमेंट के अंदर कोई और ब्रांड ने नहीं सोचे होंगे। फॉर इंस्टेंस बात करें तो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स बहुत तगड़े प्राइजिंग के साथ में आने वाली है, फीचर्स के मामले में फर्स्ट इन सेगमेंट बनेगी ऑलमोस्ट, अभी तक तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यही चीज़ें चल रही है। और डिज़ाइन की बात करें तो वो भी महिंद्रा चेंज करने वाली है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा लोगों की शिकायतें थी कि इसकी डिज़ाइन को चेंज किया जाए, जो फाइनली होने वाला है। तो इन शॉर्ट ये गाड़ी तो तहलका मचाने ही वाली है, और इसका CNG भी आपको इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। इसकी क्लेम्ड फ्यूल एफिशिएंसी अभी तक हमारे साथ मतलब हमारे पास नहीं आई है, तो वो अनफॉर्चुनेटली हम डिस्क्लोज अभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो बहुत ही जल्दी अपकमिंग वीडियोस के अंदर हो जाएगा। खैर, नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करें तो वो है Hyundai क्रेटा फेसलिफ्ट CNG, अगेन मई 2024 एक्सपेक्टेड। 11 to 16.5 lakhs एक्स शोरूम प्राइजिंग की रेंज जाएगी। क्रेटा को हमने ऑलरेडी फेसलिफ्ट के साथ में इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट के अंदर देख लिया है, कौन से फीचर्स है वो भी पता है, वेरिएंट्स भी पता है, और ये भी पता है कि कितना वेटिंग पीरियड है। तो इन शॉर्ट मतलब पूरे सेगमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी बन चुकी है ये, और इसी वजह से Hyundai को डिले करना पड़ रहा है क्रेटा N-Line के बाद। अभी मतलब उन लोगों ने खैर N-Line तो लॉन्च कर ही दिया, लेकिन CNG को भी उन लोगों को अभी लॉन्च करना है, और उसके साथ साथ क्रेटा फेसलिफ्ट के साथ में जो आएगी उसके साथ में CNG तो वो लोग प्रोवाइड करेंगे ही, लेकिन Alcazar फेसलिफ्ट को भी उन लोगों को लॉन्च करना है। लेकिन बात करें CNG वाली क्रेटा की, तो कितनी फ्यूल एफिशिएंसी ये क्लेम कर पाएगी वो अभी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, अगर थोड़े बहुत जो भी मतलब 50-50 चांसेस के साथ में रिपोर्ट्स आए उसके अकॉर्डिंग बात करें तो ऐसा चल रहा है कि 22-24 तक की जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो CNG वाली क्रेटा आपको प्रोवाइड कर देगी। बाकी आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ आप शेयर कर सकते हो, आपके लिए पूरा कमेंट सेक्शन खाली पड़ा है। क्रेटा CNG के साथ में आपको टॉप एंड का जो एक वेरिएंट होगा वो नहीं देखने को मिलेगा, और जो सबसे बेस वाला होगा वो नहीं मिलेगा। तो सबसे बेस और सबसे टॉप एंड वाला वेरिएंट आपको शायद देखने को नहीं मिलेगा क्रेटा CNG के साथ में। अभी ऐसा इसीलिए क्योंकि CNG के साथ में जो इंजन ऑप्शन आएगा वो सेम हो सकता है नॉर्मल वाली क्रेटा के साथ में, तो इस वजह से शायद हो सकता है
ह्यूंडई की इस तरह से प्राइसिंग की मैनेजमेंट हो सकती है कि टॉप एंड के जो वेरिएंट है नॉर्मल पेट्रोल के नेचुरली एस्पिरेटेड के उसकी सेल्स को कहीं सीएनजी अफेक्ट ना करे, इस वजह से भी ये स्टेप वो लोग ले सकते हैं। लेकिन अभी तो इतना ही है कि वेरिएंट वाइज आपको ये दो वेरिएंट शायद देखने को ना मिले। तो इस तरह से भी मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यूज क्या हो सकते हैं वो आप ज़रूर कमेंट डाउन करो। वैसे क्रेटा सीएनजी के लिए कितने लोग इंटरेस्टेड है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट डाउन कर देना। बाकी आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले बात कर ले क्रेटा सीएनजी के साथ में और क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, वो ज़रूर बताते जाना, क्योंकि क्रेटा जो लोग भी खरीदते हैं उनको बेहद प्यार होता है फीचर्स से, और अभी भी मतलब गाड़ी के साथ में तगड़े फीचर्स तो चल ही रहे, और जिस वजह से ये बिक रही है मतलब बेंचमार्क तो ये पहले से क्रिएट करके बैठी थी और ये तो बरकरार रहेगा। लेकिन क्रेटा नाम से ही बिकती है, सेम चीज़ क्रेटा सीएनजी कर पाएगी या नहीं वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे कई सारी ऐसी नीचे वाले सेगमेंट के अंदर गाड़ियाँ होगी टॉप एंड वाले वेरिएंट के साथ में, तो ये चीज़ होने वाली है ह्यूंडई के लिए। बाकी खैर लास्ट प्रोडक्ट की बात करें तो वो अगेन ह्यूंडई वेन्यू फेसलिफ्ट सीएनजी अप्रैल एंड से लेके मई स्टार्टिंग के बीच में, ये जो पीरियड होगा 2 या 3 वीक्स का, उसी के बीच में लॉन्च एक्सपेक्टेड है। प्राइस आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर देख लिए। वेन्यू सीएनजी के साथ में अच्छी डील इसलिए होगी क्योंकि नेक्सॉन भी सीएनजी के साथ में आ चुकी है। एक्सयूवी 300 के मतलब 300 को सीएनजी के साथ में आने में थोड़ी देर लग सकती है, लेकिन इसमें ह्यूंडई का फ़ायदा ये होगा कि अगर वो लोग वेन्यू को जल्द से जल्द सीएनजी के साथ में लॉन्च करते हैं तो जितने भी लोग नेक्सॉन के ऊपर सीएनजी के साथ में शिफ्ट हो रहे हैं उसमें से कई ज़्यादा लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे वेन्यू सीएनजी के साथ में, क्योंकि रिलायबिलिटी की बात कर लो या फिर अटेंशन टू डिटेल की बात कर लो, क्वालिटी की बात कर लो, मेंटेनेंस की बात कर लो, फ्यूल एफिशिएंसी की बात कर लो, टेक्नोलॉजी की बात कर लो, फीचर्स की बात कर लो, वैल्यू फॉर मनी सिनेरियोस की बात कर लो, हर मामले में ह्यूंडई बेहतर नज़र आती है। नो डाउट मैं कोई बुराई नहीं कर रहा टाटा मोटर्स की, नेक्सॉन सीएनजी अपने आप में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन एज अ कस्टमर एज अ कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, और शायद ही कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस तरह से नहीं सोचते होंगे, क्योंकि कस्टमर हमेशा सबसे पहले अपना अपने बारे में सोचता है और अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचता है, क्योंकि पैसे कस्टमर्स के लगते हैं, तो वो क्यों ना सोचे चीज़ों के बारे में। तो इसी वजह से हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको भी बता दें कि ये चीज़ें हो सकती है और ह्यूंडई इस अपॉर्चुनिटी का फायदा पूरे पूरा उठाने वाली है। तो मतलब ये चीज़ तो कंफर्म है, वेन्यू सीएनजी के साथ में बहुत ही जल्दी लॉन्च होगी। वेन्यू सीएनजी के साथ में आती है तो उसमें ह्यूंडई कोई रोक टोक नहीं रखेगी वेरिएंट्स के अंदर। तो इन शॉर्ट आपको टॉप एंड वाले भी सारे वेरिएंट्स वो लोग प्रोवाइड करेंगे, बेस वाला वेरिएंट भी वो लोग प्रोवाइड करेंगे, 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड वाली मतलब वो तो रहेंगे ही रहेंगे। तो ये चीज़ बहुत तगड़ी होने वाली है, नेक्सॉन सीएनजी के लिए बहुत ज़्यादा तगड़ी कॉम्पिटिशन होगी। लेकिन 300 फेसलिफ्ट जब सीएनजी के साथ में आएगी तब क्या होगा वेन्यू का, तब नेक्सॉन सीएनजी का क्या होगा, वो सोचने वाली बात हो सकती है अभी से। बाकी चैलेंजेस तो पूरे ऑटोमोबाइल मार्केट के अंदर 2024 में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हर एक ब्रांड के लिए होने वाले हैं, और वो भी मोस्टली एसयूवी के सेगमेंट के अंदर। तो फिलहाल हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन थी जो कि आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों ड्राइव सेफ, थैंक यू।